Hey guys, today we're gonna explain the movie called Jack Force has to save the world from pitch black monster. इसमें हम जैक फोर्स की कहानी देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को तालाब में डूबते हुए देखते हैं। वो हमें बताता है कि वहाँ पर बहुत सारा अंधेरा और बहुत ही तेज ठंड थी। तब उसने चांद को देखा और उसकी रोशनी उसकी आंखों पर गिरी, जिसने उस अंधेरे को भगा दिया और उसके बाद उसके अंदर का डर भी भाग गया। वो वहाँ पर क्यों था और उसकी जिंदगी का क्या मकसद था, इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे वहाँ पर एक छड़ी मिली जिसे छूने पर ही उसमें से कुछ मैजिकल पावर बाहर आई, जिसे देखकर जैक काफी खुश था और अब वो हवा में भी उड़ सकता था। वहाँ पर एक पेड़ पर चढ़कर उसने देखा कि पास ही में एक गांव है। वो वहाँ पर जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत जल्द उसे पता चल जाता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता और ना ही कोई उसे देख पा रहा है। उसका नाम जैक फ्रॉस्ट था, इतना ही उसे चांद ने बताया हुआ था। और इसी के साथ लगभग 300 साल बीत गए। आगे हम नॉर्थ पोल को देखते हैं। वहाँ पर सेंटा क्रिसमस गिफ्ट बना रहा था। तभी वो वहाँ के ग्लोब में देखता है कि वहाँ की चमकती हुई लाइटें बंद हो रही है। ये लाइटें बंद होने का ये वजूद था कि अभी भी धरती पर रहने वाले लोग अभी भी गार्डियंस पर भरोसा करते हैं। अब जैसे जैसे लाइटें बंद होती जा रही थी, इसका मतलब वो लोग उन पर भरोसा करना बंद कर रहे थे। तभी सेंटा को पीछे वहाँ पर ब्लैक नजर आता है, जो बच्चों को बुरे सपने और डर देता था। सेंटा को ये खतरे की घंटी लगती है। वो तुरंत अपने बाकी के गार्डियंस को बुलाता है, जिसमें से एक होता है ईस्टर बनी, जो ईस्टर के दिन जो बच्चों के पास रंग बिरंगे एज रखता था। दूसरी होती है टूथ फेरी, जो अपनी बहुत सारी नन्ही परियों के साथ जो बच्चों के टूटे हुए दांत उनके तकिए के नीचे से कलेक्ट करती थी, जिनमें उन बच्चों की यादें भी होती थी। तीसरा होता है सैंडमैन, जिसका काम था बच्चों को सुनहरे और अच्छे से सपने दिखाना, जो उन्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करती थी। सेंटा उन्हें बताता है कि शायद ही बहुत बड़ा खतरा धरती पर आने वाला है, क्योंकि उसने पिच ब्लैक को देखा है और वो शायद ही फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। तभी उनके पास चांद की रोशनी पड़ती है, जिसमें उन्हें जैक फ्रॉस्ट की परछाई नजर आती है। चांद उन सबको एक नया गार्डियन दे रहा था, मगर जैक फ्रॉस्ट को देखकर बनी खुश नहीं था। उसे लगता है कि जैक एक बहुत गैर जिम्मेदार बच्चा है और वो एक गार्डियन बनने के लायक नहीं है। लेकिन सेंटा बोलता है कि चांद ने अगर उसे गार्डियन बनकर हमारे पास भेजा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी और इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। इसी के साथ हम जैक फ्रॉस्ट को देखते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल पावर से लोगों के साथ मस्ती कर रहा था। उसे इस काम में बहुत मजा आ रहा था। वो सर्दियों में अपना सारा समय ऐसे ही गुजारता था। उसे बस इसी बात की प्रॉब्लम थी कि कोई भी बच्चा जैक फ्रॉस्ट पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो तो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो वहीं पर खड़े जिमी नाम के एक बच्चे को अपनी प्रेजेंस फील करा रहा था, ताकि वो उसे पहचान सके, उसे महसूस कर सके। मगर जिमी अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहा था। जैक फ्रॉस्ट उसे बर्फ की स्लाइडिंग भी करवाता है, जिसमें जिमी को बहुत मजा आता है, मगर वो ये नहीं समझता कि ये सब कुछ जैक फ्रॉस्ट की वजह से हो रहा था। इसी वजह से जैक उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो रात में चांद से बातें कर रहा था कि उसने उसे क्यों बनाया, उसका मकसद क्या है। तभी वो देखता है कि सैंडमैन की सुनहरी रोशनी बच्चों को सुनहरे सपने देने के लिए आ गई है। वो थोड़ा खुश हो जाता है। वहाँ के सारे बच्चे अच्छे से सपने देखने लगते हैं। तभी ब्लैक पेज वहाँ पर आता है और वो सुनहरे सपने को एक नाइटमेयर में बदल देता है, यानी अच्छे सपनों को बुरे सपने में कन्वर्ट कर देता है। वो अपनी काली शक्तियों को हर जगह फैला रहा था। वो सारे सुनहरे सपने को नाइटमेयर में बदलने लगता है। जैक को उस दिन उस शहर में बनी मिलता है और उसके आदमी जैक को एक बोरी में पकड़कर एक पोर्टल के थ्रू नॉर्थ पोल में ले आते हैं। वहाँ पर उससे सेंटा और बाकी के गार्डियंस भी मिलते हैं। सेंटा उसे बाकी सभी गार्डियंस से इंट्रोड्यूस कर रहा था। सेंटा उसे बताता है कि चांद ने उसे गार्डियन बनाया है, मगर जैक उनसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि मैं खुद एक गार्डियन बनने के लायक हूँ, क्योंकि उसे डिसिप्लिन में रहना और लोगों के ऑर्डर फॉलो करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वो बताता है कि किस तरह से ब्लैक पीच का खतरा धरती पर बढ़ गया है और उसे तो खुद चांद ने गार्डियन चुना है, जिसे अब वो मना नहीं कर सकता। सेंटा उसे वहाँ की बाकी चीजों के बारे में जानकारी देने लगता है। तभी बनी वहाँ पर आकर उसे बताता है कि टूथ पैलेस में कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो सभी सेंटा के साथ टूथ पैलेस में पहुँचते हैं। वहाँ पर ब्लैक पिच के मेयर सारी नन्ही परियों को उड़ाकर ले जा रहे थे। किसी तरह से जैक फ्रॉस्ट एक नन्ही परी को बचा लेता है। टूथ फेरी बताती है कि उन लोगों ने बहुत देर कर दी। वो ब्लैक पीच वहाँ की सारी नन्ही परियां और वो सारे बच्चों के टूथ ले गए हैं। तभी वो लोग वहाँ पर ब्लैक पीच को देखते हैं। वो उन्हें बोलने लगता है कि एक वक्त हुआ करता था जब लोग सारे उससे डरते थे, उसे अपने आसपास से महसूस करते थे, और एक दिन धरती पर चांद ने उनके गार्डियंस को भेजा, यानी तुम लोगों को भेजा मेरा साम्राज्य खत्म करने के लिए। उन्होंने लोगों के दिल में आशा जगाई और उसी के साथ वो ब्लैक पीच को एक बुरा सपना समझकर भूल गए, मगर अब सब कुछ बदलेगा। उन्हें
फिर से डर का एहसास होगा और अब वो उन गार्डियंस को उनके दिल से निकाल कर फेंकेगा। और ये अब होना शुरू भी हो चुका है, क्योंकि उन बच्चों के टूथ को अगर कोई परिया लेने नहीं जाएगी तो उन सब का टूथ फेरी से भरोसा उठ जाएगा और वो लोग उसे भूल जाएंगे। और जैसे उनका भरोसा उन पर से खत्म हो गया तो उनकी सारी शक्तियाँ भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसके बाद ना ही कोई क्रिसमस होगा और ना ही कोई ईस्टर होगा, तो सिर्फ अंधेरा और उसका डर। गार्डियन उस पर हमला करने लगते हैं मगर वो वहाँ से भागने में सफल रहता है। मगर यहाँ पर टूथ फेरी अपनी नन्ही परियों के पकड़े जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा उदास थी। तभी वो उससे पूछता है कि ब्लैक पिच उन नन्हे बच्चों के टूथ को चुराकर क्या करना चाहता है। टूथ फेरी बताती है कि बात सिर्फ और सिर्फ टूथ्स की नहीं है, उनमें तो उन बच्चों की यादें हैं जो परियों के साथ उन पर नजर रखा करती थी और उनके बचपन को हसीन बनाने के लिए वो उन्हें वो यादें देती थी। वो कहती है कि उनके पास सबकी यादें रहती है, यहाँ तक कि जैक की भी यादें बचपन में उन्होंने कलेक्ट की थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी भी एक जिंदगी होगी जैक फ्रॉस्ट बनने के पहले की। जैक फ्रॉस्ट किसी भी हालत में अपनी पुरानी लाइफ के बारे में जानना चाहता था। तभी टूथ फेरी के कुछ पंख झड़ने लगते हैं, यानी कि धरती पर के सारे बच्चों का उस पर से विश्वास उठता जा रहा है। सांता ऐलान करता है कि मैं खुद जाऊंगा और सारी परियों को और सारे टूथ्स को वापस ले आऊंगा। वो सारे गाड़ी निकल पड़ते हैं टूथ कलेक्ट करने। वो जल्दी जल्दी दोबारा से धरती पर के सारे बच्चों के तकिए के नीचे के टूथ्स कलेक्ट करने लगते हैं और उसके बदले में कोई ना कोई गिफ्ट्स छोड़ जाया करते। मगर जब वो जिमी के घर में वो टूथ लेने जाते हैं तो वो जाग जाता है और वो सबको देख सकता था सिवाय जैक के, क्योंकि वो तो उस पर बिलीव नहीं करता था। मगर तभी जिमी का डॉग बनी पर झपटने लगता है। सैंडमैन उसे वापस से सुलाने की कोशिश करता है मगर इसमें इनके साथ साथ टूथ फेरी बनी और सांता भी सो जाता है। तभी जैक को वहाँ पर ब्लैक पिच नजर आता है, वो उसके पीछे भागता है। सैंडमैन भी उसके साथ जाता है। इधर जिमी की बहन सांता के मैजिकल पावर से कहीं और पर पहुंच जाती है। जैक ब्लैक पिच को पकड़ने की इधर कोशिश कर रहा था और सैंडमैन उसके ड्रीम्स को सुनहरे ड्रीम्स में बदल रहा था। तभी ब्लैक पिच उन्हें दिखाई देता है। वहाँ पर उसके बहुत से नाइटमेयर्स भी थे, वो सभी उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। तब तक तो बाकी के गार्डियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो सभी नाइटमेयर से लड़ने लगते हैं लेकिन ब्लैक पिच अपने पावर से सैंडमैन को एक नाइटमेयर में बदल देता है। जैक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसे बचा नहीं पाता और वो अपने पावर से ब्लैक पिच के सारे वार को नाकामयाब कर देता है। सारे गार्डियंस मिलकर सैंडमैन को अलविदा करते हैं और उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इन सब के लिए जैक खुद को जिम्मेदार समझ रहा था पर सैंटा उसे बोलता है कि तुमने तो उन सबको बचाया है। फिर से वो देखते हैं कि ग्लोब पर की कुछ लाइटें बंद हो रही है। बनी उनसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि कल ईस्टर है और वो सभी नन्हे बच्चों के घर पर कलरफुल एज पहुंचा देगा जिनसे उनका बिलीव उन पर बना रहेगा और ब्लैक पिच चाहकर भी उनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। बनी उन सबको लेकर अपने महल में जाता है तो उन्हें वहाँ पर जिमी की छोटी बहन मिलती है जो कि कल रात मैजिकल पावर से यहाँ पर पहुँच गई थी। बनी उसे फिर से सुला देता है और जैक उसे वापस रखने के लिए उसके घर पर जाता है। उसके साथ एक नन्ही सी परी भी थी। जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तभी जैक को उसका ही नाम सुनाई देता है जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। वो उस आवाज का पीछा करता है जिसके साथ वो एक गहरे सुरंग तक पहुंच जाता है। वो आवाज उसके अंदर से आ रही थी। वो उसके अंदर चला जाता है। उसे वो वहाँ पर सारी नन्ही परियां कैद मिलती है जिनको ब्लैक पिच ने कैद कर रखा था। वहाँ पर बहुत से टूथ भी थे और उन्हीं में से वो आवाजें आ रही थी। वो उन टूथ में से अपना खुद का टूथ ढूंढ रहा था। तभी ब्लैक पिच वहाँ पर आता है और उसे उसका टूथ दिखाता है। जैक उसके पीछे पीछे भागने लगता है और वो उसे उसका टूथ दे देता है जहाँ पर वो एक सुरंग तक पहुँचता है जहाँ पर सारे ईस्टर एज टूटे पड़े थे। वो वहाँ से बाहर निकलता है। वहाँ पर उसे बाकी के गार्डियंस मिलते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थे। नाइटमेयर ने उनके टनल पर हमला किया था और उन्होंने सारे एज को बर्बाद कर दिया। जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्लैक पिच के साथ था तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और उन्हें बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वो उसे कहते हैं कि जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तब वो वहाँ से गायब था। जिमी और उसके दोस्तों को ईस्टर एज नहीं मिलते तो वो मानने लगते हैं कि ईस्टर आया ही नहीं और वो ये कहते हैं कि ईस्टर के दिन हमें एज नहीं मिले तो गार्डियन भी नहीं होंगे। जिमी उन्हें विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उन्हें अपने आंखों से देखा था। मगर कोई जिमी की बातों पर भरोसा नहीं करता। सब अपने घर पर वापस चले जाते हैं और जैक भागकर अंटार्कटिका पहुंच जाता है। वहाँ भी उसे ब्लैक पिच मिलता है जो उसे कह रहा था कि वो गार्डियंस तुम्हें कभी भी अपना नहीं मानेंगे, तो इसीलिए वो ब्लैक पिच के साथ मिल जाए। सभी ब्लैक पिच और ब्लैक फॉरेस्ट को जानने लगेंगे मगर जैक नहीं चाहता था कि लोग उसे डर के मारे जाने और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। मगर ब्लैक पिच वहीं पर एक नन्ही परी को हाथ में लेकर उसे मारने की बात करता है और उसे उसका स्टिक मानता है और बोलता है कि अगर इस नन्ही परी की जान नहीं लेनी है तो अपने हाथ का स्टिक मुझे दे दो। जैक उसे
अपना स्टिक दे देता है और वो स्टिक मिलते ही वो उस परी को दूर फेंक देता है और उस स्टिक को तोड़ देता है। बाद में वो जैक पर हमला कर उसे खाई में फेंक देता है और उसका टूटा हुआ स्टिक भी वहीं पर फेंक कर चला जाता है। कुछ देर बाद जैक की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो नन्ही परी वहीं पर पड़ी हुई है। वो उसके जेब से एक टूथ को बाहर निकालती है और वो टूथ किसी और का नहीं बल्कि जैक का ही था। और जैक इस बार उस टूथ के माध्यम से अपनी पुरानी जिंदगी दिखता है और उसे छूने के बाद जैक अपनी पुरानी जिंदगी में चला जाता है, अपनी बचपन वाली जिंदगी में जब वो जिंदा हुआ करता था। जैक देखता है कि उसकी एक छोटी बहन हुआ करती थी। वो दोनों एक दिन खेल रहे होते हैं, तभी उसकी बहन की नीचे का बर्फ टूटने लगता है। वो किसी तरह से वहाँ पर पड़ी एक छड़ी को उठाकर उसे बचा लेता है, पर वो खुद वही तालाब में डूब जाता है। तब उसे पता चल जाता है कि चांद ने उसे एक गार्डियन क्यों बनाया है, क्योंकि उसने अपनी जान पे खेलकर अपनी बहन को बचाया था। वो वहाँ पर पड़ी अपनी टूटी स्टिक को फिर से जोड़ने लगता है और वो उसके पावर से फिर से जुड़ भी जाती है। वो डायरेक्टली उन सारी नन्ही परियों को छुड़ाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उनके पिंजरे को खोल देता है, मगर वो सभी अब उड़ नहीं पा रही थी। उनकी पावर शायद ही खत्म हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर के ग्लोब की अब सारी लाइटें खत्म होती जा रही थी, यानी कि अब लोगों का गार्डियंस पे भरोसा उठता जा रहा था। मगर उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट बची हुई थी और ये जिमी था। वो उसके रूम तक पहुँचता है और वो देखता है कि जिमी बनी टॉय के साथ बातें कर रहा था और वो रोता हुआ बनी के टॉय से बातें करता है कि उसके सारे दोस्त उस पर भरोसा नहीं करते। तभी जैक अपनी मैजिकल पावर से एक बनी बनाकर उसके पास भेजता है, जिसे देखकर जिमी बहुत खुश हो जाता है। मगर थोड़ी देर में वो बनी टूट कर छोटे छोटे स्नो में बदल जाता है। वो समझ जाता है कि ये बनी नहीं बल्कि जैक फ्रॉस्ट है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वो जैक को अब देख सकता है। जैक भी बहुत खुश हो जाता है कि पहली बार उसे किसी ने देखा। वो उसे बताता है कि सारे गार्डियंस रियल होते हैं। तभी जैक देखता है कि बाकी के गार्डियंस भी वहाँ पर पहुँच गए हैं, मगर वो सभी अब पावरलेस हो चुके हैं। बनी भी अब एक छोटा सा बनी बन चुका है। तभी ब्लैक पीच वहाँ पर आ जाता है और जैक उस पर हमला करने लगता है, मगर बहुत ही जल्द वो उसे हार कर नीचे गिर जाता है। ब्लैक पीच उन सबको मारने के लिए उनकी ओर बढ़ता है, मगर तभी जिमी उसे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी जैक को अपनी बहन की याद आती है। वो जिमी से कहता है कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो एक स्नोबॉल उसके ऊपर फेंकता है, जिसे देखकर जिमी हंसने लगता है। जैक उसे बाहर घुमाने ले जाता है और साथ ही साथ में उसके सारे दोस्तों को ये विश्वास दिलाता है कि असल में गार्डियंस होते हैं। अब जिमी के सारे दोस्तों को वो गार्डियन नजर आ रहे थे, मगर ब्लैक पीच अभी भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो उनसे कहता है कि सब कुछ मिलकर भी वो उसे नहीं रोक पाएंगे। तब जिमी और उसके सारे दोस्त आगे आते हैं और वो कहते हैं कि वो इन्हें बचाएंगे, क्योंकि वो किसी ब्लैक पीच से नहीं डरते। ब्लैक पीच उन पर हमला करता है, मगर जिमी को छूते ही उस ब्लैक पिच की सारी बुरी यादें अच्छे सपनों में बदल जाती है और उन सारे गार्डियंस की पावर फिर से वापस आ जाती है और वो सभी मिलकर उस ब्लैक पिच के बुरे नाइटमेयर को खत्म करने लगते हैं। ब्लैक पिच अब जैक पर हमला करता है, तभी एक सुनहरी रस्सी उसे अपनी तरफ खींचती है। ये सैंडमैन होता है जो अब वापस आ चुका था। वो ब्लैक पिच को वहीं उछाल कर उसे नीचे पटक देता है। अब ग्लोब की लाइट एक एक कर बढ़ने लगती है और सैंडमैन सबको फिर से सुनहरे सपने देने लगता है। ब्लैक पिच के नाइटमेयर्स अब उसी पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि अब वो खुद बहुत डरा हुआ था। वो सभी नाइटमेयर्स उसे ही अपने साथ खींचकर उस अंधेरी गुफा में कैद कर देते हैं। जैक और उसके सारे गार्डियंस बच्चों को बाय कर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और इसी तरह के एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में उसके पास जो बेल आइकन होती है उसे भी प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पर करना, ताकि मैं जब भी ऐसे ही इंटरेस्टेड एनिमेटेड वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई एनिमेटेड कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।